दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ट्विटर ने सभी के ब्लू वेरिफिकेशन बैज ले लिए थे, क्या पॉलिटिशियन है, क्या सेलिब्रिटी है, क्या इन्फ्लुएंसर है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ, उन्होंने कहा कि भैया हम तो पे नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले ट्विटर ब्लू वेरिफिकेशन बैज के लिए पे कुछ भी, तो कई सारे लोग हैरान हो गए कि भैया मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी पे भी नहीं किया ट्विटर को कि भाई मेरे को ब्लू वेरिफिकेशन बैच दे दो, लेकिन मुझे वापस मिल चुका है, लगता है कोई ग्लिच विलिच आ गई है। दरअसल ग्लिच वगैरह नहीं आई, ट्विटर ने थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद में सारी चीज़ों को समझा और कहा कि चलो सेलेब्रिटीज़ को दे देते हैं, या फिर कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल बंदा है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है, 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोइंग होनी चाहिए, तो उनको भी उन्होंने ब्लू वेरिफिकेशन बैच फ्री में ही दे दिए हैं। यहाँ पर उन लोगों को खरीदना पड़ेगा जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, जो सेलेब्रिटी नहीं है, या कोई मतलब 1 मिलियन से फॉलोवर नहीं लेके बैठा हुआ ट्विटर पे, तो उनको तो भैया देने पड़ेंगे 700-800 रुपए। अब यहां पर अमिताभ बच्चन जी ने दे दिए थे कि एलन मस्क भैया हमको हमारा ब्लू वेरिफिकेशन बैच दे दीजिए, जिसके बाद में मिल भी जाता है अमिताभ बच्चन जी को। अब ये सारी चीजें जब चेंज कर दी तो भैया अमिताभ बच्चन के पैसे तो रिफंड करो, ताकि वो एक अगला ट्वीट करें कि भाई पैसे मिल चुके हैं, ये लो। दोस्तों फोल्डेबल फ़ोन तो बनाती ही जा रही है कई सारी कंपनियां, चाहे वो सैमसंग हो जाए या शाओमी हो जाए या ओप्पो हो जाए, वीवो हो जाए, ये सभी काम कर रहे हैं अपने फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर। यहीं पर पिक्सल ने भी दिखा दिया अपना फोल्ड, जो कि लीक हुई है वीडियो कि पिक्सल फोल्ड हम तैयार कर रहे हैं, इसका इंटरनल डिस्प्ले कुछ इस तरीके का है कि मतलब इतने बड़े बेजल्स उस पर दे दिए, 2023 चल रहा है, ये बेजल्स इतने बड़े हैं कि इस पर प्लेन लैंड हो जाएगा, तो ये ना चलबो इस टाइम के लिए, तो नहीं चलबो। और उसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये $1700 का बिकेगा, यानी कि इंडिया के अंदर ये 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है, जबकि इसके अंदर बेजल्स भी हैं और ऊपर से ये जो फोल्डेबल फ़ोन होते हैं इसके बीच में क्रीसिस आती ही आती हैं। भाई जब तक तुम ये क्रीसिस फिक्स नहीं करते, मैं तो नहीं लेने वाला। दोस्तों हम लोग चाइना का कितना ही मजाक उड़ाएं कि चाइनीज़ माल है, नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इस तरीके की जा चुकी है कि वो 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर भी भेज देंगे। फिलहाल के लिए वो टेस्टिंग कर रहे हैं 3D प्रिंटर का, जो कि मून के ऊपर उनके एस्ट्रोनॉट के लिए रहने लायक जगह बना सकेगा। कई सारे मिशन चल रहे हैं उनके मून के लिए, वो 2030 की प्लानिंग बनाए बैठे हैं कि उस वक्त तक अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर भेज देंगे। इसी के साथ साथ चैंग E6, 7 और 8 मिशन भी वो लॉन्च करने वाले हैं, और जो चैंग E8 मिशन होगा उसके अंदर वो रियूजेबल रिसोर्सेस को देखेंगे, जो कि काम में आएंगे अपने एस्ट्रोनॉट के हैबिटेट बनाने के लिए या फिर उनको वहां पर रखने के लिए लंबे टाइम तक। दोस्तों जब ChatGPT आया था तो सबसे ज्यादा मजे हो गए थे कोडर्स के, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के कि भैया चीटिंग करने का सामान मिल चुका है, अब जो भी सवाल आएगा उसको टाइप करेंगे, इसके अंदर आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस वजह से कई सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, कई सारे स्कूल्स के अंदर इसको बैन किया गया, लेकिन स्टूडेंट अब भी इसको यूज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट पकड़ा गया जिसने ऐसा ब्लंडर कर दिया चीटिंग करते वक्त, दरअसल उसको एक असाइनमेंट मिला था बनाने के लिए, जहां पर उसने ChatGPT का यूज करते हुए सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए, लेकिन गलती से उससे हो गई एक मिस्टेक कि उसने ChatGPT की वो वाली लाइन भी लिख दी, जिसमें ChatGPT कहता है देखो भैया मैं एक AI मॉडल हूं, तो मैं आपका असाइनमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट करने में तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको गाइडेंस दे देता हूं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए अपने इस असाइनमेंट के लिए। तो वो भी इसने लाइन लिख दी तो पकड़ा गया। बस भाई नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है, थोड़ी लगा लेता तो शायद बच जाता, लेकिन इसी में कई सारे टीचर्स कहते हैं कि भैया AI एक डिज़ास्टर है, मतलब बना तो दिया है, अब कैसे पकड़े जाएं स्टूडेंट की, भैया अब ये तो बेवकूफ़ निकला, ये पकड़ा गया, लेकिन बाकी के कैसे पकड़े जाएंगे जब उनको सवाल के जवाब मिल रहे हैं इस तरीके से। दोस्तों अब तक आपने कई सारी पैट्स की वीडियो देखी होगी, लेकिन इस तरीके की कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी जहाँ पर एक कैट एक बेबी को बचा लेती है, जो कि क्रॉल करता हुआ सीढ़ी की तरफ जाता है और वहाँ से उसने गिरना ही गिरना होता है और चोट वोट लग जाती है, लेकिन ये कैट उसको अपना बच्चा समझ के, अपना साथी समझ के किसी तरीके से बचाती है, उसको फोर्स करती है कि ना उधर नहीं जाना, वो पूरा मतलब जिस तरीके से भी अग्रेशन दिखाती है कि भाई मैं नहीं जाने दूंगी तू, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके से उस बच्चे को वो गिरने से रोक लेती है। इसी तरीके से हमने कई सारे डॉग्स की भी वीडियो देखी है, मतलब कुछ कुछ होते हैं, सभी मतलब ऐसे नहीं होते पेट्स, कई इतने आलसी होते हैं कि बैठे रहते हैं कि मालिक मरे जिए हमें क्या, हमें खाना मिल रहा है बस पहुँचे। दोस्तों एक बंदा इंटरनेट पे समझा रहा है कि किस तरीके से कार के ऊपर गोबर लगाने से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इस हीट वेव के सीज़न के वक्त में, मतलब क्या बोले इसका, तो नाम वाम लेना भी पाप हो जाएगा। अगर इतनी ही मतलब तुझे नॉलेज है तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे शरीर पे अगर गोबर लगा लिया जाए फिर तू रोड पे चले